फ्रेंड्स, क्या आपकी पीरियड मिस हो गई है और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव आ रही है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आखिर क्यों आपकी पीरियड मिस हो गई है और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव क्यों आ रही है। इतना ही नहीं, वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा अगर पीरियड मिस हो जाए और बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आए तब आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारी इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज देखना चाहते हैं तो सेहत रात चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दे क्योंकि यहां मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर रोज लाता रहता हूं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सेहत रात। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर सबसे पहले हम जानते हैं पीरियड मिस होने के और प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव आने के क्या कारण है, इसके क्या काउजेस हैं। उसके बाद हम वीडियो के लास्ट में इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे। नंबर वन, प्रेगनेंसी हार्मोन कम होने की वजह से। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार महिला प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते में महिला के शरीर में एसजी लेवल कम होने की वजह से उनका प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव आने लगता है। नंबर टू, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं को नॉर्मल प्रेगनेंसी ना होकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के वजह से भी महिला की प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव आने लगती है। तो अब हम जानते हैं आखिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। फ्रेंड्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत ही खतरनाक प्रेगनेंसी होती है, इसमें महिला को बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसमें भ्रूण का इम्प्लांटेशन गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है जिससे उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण भी हैं, जैसे कि जिन महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दाहिनी साइड या बाएं साइड बहुत ही ज़्यादा पेन होती है या उन्हें स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है या उन्हें वॉमिटिंग या नौसिया होती है तो फ्रेंड्स उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इस केस में उन्हें बिना देर के अपने डॉक्टर से तुरंत मिल लेना चाहिए। नंबर थ्री, ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी पीरियड मिस हो जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव भी आ सकती है। जो महिला अपने बच्चे को खुद का दूध पिला रही है उन्हें उनका पीरियड मिस भी हो सकता है, उनका पीरियड इररेगुलर भी हो सकता है और उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव भी आ सकता है। लेकिन उन महिलाओं को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जैसे ही वो ब्रेस्ट फीडिंग को बंद करेंगी उनका पीरियड फिर से नॉर्मल हो जाएगा और उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर फोर, फ्रेंड्स, कुछ मेडिकल कंडीशंस के वजह से भी महिलाओं की पीरियड मिस हो जाती है और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, जैसे कि PCOD या थायराइड या मेनोपॉज। हालांकि मेनोपॉज 50 या 50 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में ज़्यादातर होती है लेकिन कभी कभी 40 से कम उम्र की महिलाओं को भी मेनोपॉज हो सकती है। नंबर फाइव, फ्रेंड्स, कुछ मेडिकेशंस के वजह से भी महिलाओं की पीरियड मिस हो सकती है, जैसे कि कुछ महिलाओं की मेडिसिंस पहले से बहुत सारी मेडिसिंस चलती रहती है, कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मेडिसिंस का इस्तेमाल करती है तो कुछ का बीपी का मेडिसिन चलता है तो कुछ को एलर्जी को रोकने वाली मेडिसिंस भी चलती है तो फ्रेंड्स ये सारी मेडिसिंस की वजह से भी पीरियड कभी कभी मिस हो जाती है। तो इस केस में आपको सबसे पहले अपने मेडिसिंस को रोकना चाहिए, जैसे ही आपकी पीरियड रेगुलर हो जाए फिर आप कंटिन्यू मेडिसिंस को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ अदर लाइफस्टाइल फैक्टर के वजह से भी कभी कभी पीरियड मिस हो जाती है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना या बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइजेस करना या न्यूट्रिशन की कमी होना, यानी कि पोषक तत्वों की कमी होना। तो ये सारे कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, ये सारे कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर हैं, इस वजह से भी महिलाओं में पीरियड मिस हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर जिन महिलाओं की पीरियड मिस हो गई है और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव आ रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक या दो हफ्ते बाद फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी हार्मोन कम होने की वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट बार बार निगेटिव आने लगती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा दिनों की होने लगती है, एक या दो महीने की होने लगती है, तब आपके शरीर में एसजी लेवल फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो इस केस में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और फिर से टेस्ट करना चाहिए, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है। लेकिन अगर फिर भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती है तो आप एक ब्लड टेस्ट की मदद से भी पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं।
उस ब्लड टेस्ट का नाम है बीटा एचसीजी टेस्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बीटा एचसीजी टेस्ट की मदद से आप आसानी से पता कर लेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और ये टेस्ट बहुत ही महंगी नहीं होती है, ये आपको 200 के अंदर में ही आपको ये टेस्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं फिर भी आपकी पीरियड मिस है, तो सबसे पहले आपको अपने रीजन, अपने कॉजेस को फाइंड आउट करना है, रूल आउट करना है, देखना है कि आखिर कौन से कारणों की वजह से आपकी पीरियड मिस हुई है। मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं, आपको ये सारे कारणों को खुद में देखना है, खुद में फील करना है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक कारण लगता है तो सबसे पहले आपको इस कारण को दूर करना है। अगर आपके ये सारे कारण खुद से दूर हो जाते हैं तब आपकी पीरियड फिर रेगुलर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये सारे कारण खुद से दूर नहीं हो सकते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ मेडिकेशंस के वजह से आपकी पीरियड मिस हुई है, तो आपको इसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाना होगा ताकि आप इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपके मन से वो सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे आप जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आप चाहें तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां भी आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लाता रहता हूं। और फ्रेंड्स, इसी तरह के हेल्पफुल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सेहत राज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड